मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 में नए आवेदन हुए शुरू। योगी सरकार दे रही है गरीब परिवार की बेटियों को 15,000 रूपए। जाने आप कैसे करें इस योजना में आवेदन। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 में नए आवेदन हुए शुरू। योगी सरकार दे रही है गरीब परिवार की बेटियों को 15,000 रूपए। जाने आप कैसे करें इस योजना में आवेदन। हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकट न्यूज में। लखनऊ यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत राज्य की बालिकाओं के लिए की है, जिसके लिए सरकार द्वारा लाभार्थियों को 15,000 रूपए तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रूपए का बजट तय किया है। राज्य की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सभी बालिका इस योजना का लाभ उठा सकती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना है, जिससे भ्रूण हत्या बाल विवाह से रोका जा सके, लड़का लड़की में भेदभाव को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 के माध्यम से लाभार्थियों को 15,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे बालिका के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में कुछ सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभ। लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की पासबुक, अभिभावक मृत्यु प्रमाण पत्र यदि माता पिता ने हो तो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि। पहली श्रेणी बालिका के जन्म पर 2,000 रूपए, दूसरी श्रेणी बालिका के एक वर्ष हो जाए तो उसके बाद टीकाकरण पर 1,000 रूपए, जब बालिका कक्षा 1 में पढ़ती है 2,000 रूपए, कक्षा 6 में होने पर 2,000 रूपए, बालिका का कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 3,000 रूपए, कक्षा 12वीं में छात्रा को प्रवेश लेने पर 5,000 रूपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए बालिका और बालिका के माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार सभी स्रोतों से आने वाली वार्षिक आय 3,00,000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परिवार द्वारा बालिका को गोद लिया गया है तो परिवार के पास गोद लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी इच्छुक उम्मीदवार घर बैठे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी महिला को दूसरी बार प्रसव में जुड़े बच्चे है तो तीसरी संतान में कन्या का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में उस बालिका को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुलकर सामने आएगा। अब आपके सामने शीघ्र संपर्क करें का कॉलम दिखाई देगा। यहाँ आपको नागरिक सेवा पोर्टल, यहाँ आवेदन करें का विकल्प दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। फिर आपको सेंड SMS या OTP पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे अपनी स्क्रीन में दर्ज करना होगा। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई और साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको खुले पेज पर लॉगिन आईडी और यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सामने कन्या सुमंगला योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में बालिका की सभी पूछी गई जानकारियों को दर्ज करें। अब आपको फॉर्म में बैंक पासबुक की PDF को अपलोड करना होगा। सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद गो पर क्लिक करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को यदि एक बालिका के लिए आवेदन फॉर्म भरना है तो उन्हें एक गर्ल चाइल्ड पर क्लिक करना होगा। दूसरी बालिका का आवेदन फॉर्म भरना है तो आवेदक को गर्ल चाइल्ड पर क्लिक करना होगा। फिर आवेदक के सामने भरा गया आवेदन फॉर्म खुलेगा। वहाँ आपको अन्य पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दे। अब आपके आवेदन की प्रक्रिया इस योजना के तहत पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना से संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।